सब्सक्राइब कीजिए आओ घर सजाएं चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल में आपके लिए ये देखिए न्यू डिज़ाइन डोरमेट लेकर आई हूँ, जो बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है। और इसको मैंने 7 नंबर की सिलाई से बनाया हुआ है। अगर आपके पास मोटी ऊन हो पतली ऊन हो उसके हिसाब से आप अपनी सिलाई लीजिएगा। और इसमें मैंने 3 कलर का वूल यूज़ किया हुआ है। सो फ्रेंड, मैंने इसको किस तरह से बनाया है चलिए मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, डोरमेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 फंदे डाले हुए हैं। तीनों फंदों को हम इस तरह से बना लेंगे। यहाँ से हम पहला फंदा बना लेंगे, दूसरे फंदे पे इस तरह से हमें घंटा लगाना है एक, और तीसरे फंदे पे भी हमें इस तरह से यहाँ पे एक घंटा लगाना है, और ये लास्ट वाला फंदा बना लेना। अब हमारे पास यहाँ 5 फंदे हो गए हैं। रॉन्ग साइड से हम 5 फंदे बना लेंगे। इधर की साइड से हम राइट साइड से, अब इसके राइट साइड में हैं तो हम क्या करेंगे, पहला फंदा हम बना लेंगे। और पहला फंदा बनाने के बाद इस तरह से हम अंटा चढ़ाएंगे, ये देखिए। दूसरा फंदा भी बना लेंगे, और इस वाले फंदे पे हम ऐसे एक जाली डालेंगे। फिर से धागा हम आगे की साइड करेंगे और एक और जाली डालेंगे। लास्ट वाले फंदे पे हम इस तरीके से एक अंटा लगा लेंगे, और ये फंदे को हम बना लेंगे। रॉन्ग साइड से हमें पूरी रो अपनी सिंपल निकालनी है। इस तरीके से हमारी ये 4 सिलाइयाँ बन चुकी हैं। 5वीं सिलाई पर हैं हम। पहला फंदा बना लेंगे, दूसरे पे हमें इस तरह से अंटा चढ़ाना है और ये फंदा बना लेना है। इस फंदे को भी हम उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे की साइड करेंगे, ये वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे। और देखिए हमारी जाली वाली चैन आ रही है, तो इसको हम इस तरीके से यहाँ से जाली डाल लेंगे, फिर धागा आगे साइड करेंगे, तो एक जाली इसके बगल से हमें और डालनी है उल्टा। ये 3 फंदे हैं, उन्हें हमें बनाना है। 6वीं नंबर की रो में हमें कुछ नहीं करना है, पूरा सिंपल ही बनाना है पीछे। 7वीं नंबर की रो पे हैं, फिर से हम एक फंदा बना लिया है हमने। अब हम यहाँ पे अंटा लगाएंगे, ये बराबर हमें जाली साइड में बनाते चलना है। देखिए ये 2 फंदे हमारे, अब यहाँ से देखिए हमारे ये सीधे फंदे हैं, तो हम सीधे फंदे इनको बनाएंगे। जाली के जो फंदे हैं, हम जो बीच में जाली डाल रहे हैं, वो हमारे फंदे जितने भी बढ़ेंगे उनको हम सीधा ही बनाएंगे। धागा की साइड करेंगे, ये बीच वाली चैन है जाली की, इस पर हम जाली बनाएंगे। फिर से धागा की साइड करेंगे और इसमें भी हम जाली बनाएंगे, और ये वाला फंदा हमारा सीधा है तो हम इसको सीधा बना लेंगे। ये 3 फंदे हमारे उल्टे हैं, और लास्ट वाले फंदे पे हमें अंटा लेके इस फंदे को बनाना है। 8वीं नंबर की रो को हमें ऐसे ही निकालना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे बीच के जाली वाले फंदे देखिए ये बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे जो जाली वाले फंदे बढ़ेंगे उनको हम सीधा बनाएंगे, बाकी ये फंदे हमारे जो उल्टे उल्टे जाएंगे। और यहाँ के जो साइड की जालियाँ हैं हमें अंटा लेके जो बना रहे हैं उनको बराबर लेनी है दोनों साइड से। और इस तरह से मैंने यहाँ पर 1, 2 और ये 3, 4 जालियाँ बना ली हैं। ऐसे ही हमें इसमें 9 जालियाँ बनानी हैं। यहाँ पे हमें गिनना है और इनको 9 बनाना है। फ्रेंड्स, इस तरीके से मेरी यहाँ पे 9 जालियाँ पूरी बनके कंप्लीट हो चुकी हैं। जब ये 9 जालियाँ बन जाएंगी, उसके बाद हमें क्या करना है, ये वाले साइड वाले फंदे तो हमें बराबर बढ़ाते हुए जाना है। इसी तरह से हम जालियाँ बनाएंगे साइड वाले दोनों तरफ। अभी हमें इसको बंद नहीं करना है। देखिए ये हमारे इतने फंदे उल्टे थे जो हमने बना लिए। यहाँ से हमारे ये सीधे फंदे हैं, इसमें से हम दो फंदों का एक फंदा करेंगे। देखिए इस तरीके से ये 2 फंदे हमने ऐसे लिए, पीछे के साइड किए, और ये 2 फंदे का एक फंदा हमने यहाँ पे कर दिया। बाकी फंदे हम सीधे हम पूरे बना लेंगे। यहाँ से हमारी जाली है,
वो भी हम बंद कर देंगे। जो यहाँ पे ये हम जो चैन बना रहे थे जाली, वो भी यहाँ से हम बंद कर देंगे। अभी हमें बीच के फंदे जालियाँ नहीं बनानी है, नाइन जाली के बाद हम इसको आगे जाली नहीं बनाएंगे। इस तरीके से एक फंदा मैंने इधर से स्टार्ट में कम किया, अब एक फंदा हमें यहाँ से कम करना। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये इस तरीके से हमें एक फंदा यहाँ से कम कर देना, बाकी हमारे पास उल्टे फंदे हैं इनको हम उल्टा ही बना लेंगे। और लास्ट में एक फंदे पे यहाँ पे इस तरह सेंटर लगाएंगे और इसको बनाएंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से कम करेंगे, तो ये सारे फंदे यहाँ से हमारे जो ये सीधे फंदे हैं सारे कम हो जाएंगे। लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा और ये वाले इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे फंदे हमारे इसी तरह से बढ़ते जाएंगे, इन फंदों में कोई अभी घटाना बढ़ाना नहीं है। फ्रेंड्स इस तरीके से मेरा बनके कंप्लीट हो चुका है। मैंने यहाँ से एक एक फंदे कम कर दिए हैं, तो यहाँ पे मेरे पूरे फंदे घट चुके हैं। जो बीच के जो ये वाले फंदे थे जाली वाले, उस तरीके से यहाँ घट गए हैं। अब हमें क्या करना है, साइड के फंदे यहाँ से हम अब नहीं करेंगे, इस तरह से नहीं बढ़ाना है, ऐसे ही छोड़ देना है इनको। अब यहाँ से हम दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे और इसको पूरा इसी तरीके से बनाएंगे। इस लाइन को हम ऐसे ही निकाल लेंगे पूरी। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये वाइट कलर ज्वाइंट कर लिया है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हमें ये जालियाँ, ये वाली जो जालियाँ नहीं बनानी है, अब हम यहाँ से दो फंदे का एक फंदा करेंगे इस तरीके से। और पूरी लाइन को हमें इसी तरह से बनाना है, इसे कुछ नहीं करना। ये लाइन हमने पूरी कंप्लीट कर ली है और यहाँ से भी हम एक फंदा कम कर देंगे इस तरीके से। इसी तरह से हमें हर सिलाई पे दोनों साइड से एक एक फंदा कम करना है। लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा और हमारी ये कली बनके कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से मैंने ये पूरी कली बना के कंप्लीट कर ली है। ऊपर मैंने यहाँ 10 फंदे के बाद ये दूसरा कलर ज्वाइंट किया हुआ है। यहाँ पर मैंने इसकी 5 रो बना के कंप्लीट की हैं और इसी तरह से हमें इसके 4 पीस बनाने हैं। देखिएगा फ्रेंड्स इस तरीके से हमें ये चारों पीस बना के कंप्लीट कर लिए हैं। और हम इसको ऐसे और इनको ऐसे ऐसे करके हम इसको चारों पीसों को हम ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट हमें इसके रॉन्ग साइड से करना है। ये फ्रेंड्स चारों पीसों को मैंने जोड़ लिया है और ये मेरा बिल्कुल बनके कंप्लीट हो चुका है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में और बनाने में भी एकदम ईजी है। अगर आप इसको और भी बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इससे ज़्यादा फंदा डालिएगा, और इससे आप साड़ी से भी बना सकते हैं, पुराने कपड़े से आपके पास जो भी हो आप उससे भी बना सकते हैं। सो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट भी करें अगर नहीं समझ में आया हो तो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।